इस भीषण गर्मी में अपने घर को रखिए ठंडा, वो भी 1-2 डिग्री नहीं, कम से कम 10 से 20 डिग्री तक, बगैर किसी एसी और कूलर की सहायता के। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हेल्थ टाइम में आपका स्वागत है। दोस्तों, गर्मियां शुरू हो चुकी हैं और इस भीषण गर्मी में आपको बहुत परेशानी हो सकती है, तो इस परेशानी से बचने के लिए आज हम आपको बताने वाले हैं कुछ ऐसे जबरदस्त उपाय जिससे आप अपने घर के तापमान को नियंत्रित रख सकते हैं। जिस कमरे में कूलर हो उसमें एग्जॉस्ट फैन जरूर लगवाएं, क्योंकि यह एग्जॉस्ट फैन वेंटिलेशन का काम करता है। जब कूलर चलता है तो वेंटिलेशन होने के कारण वह पर्याप्त मात्रा में ठंडी हवा भेजता है, तो इसलिए जिस कमरे में कूलर लगा हो उसमें हवा निकलने का रास्ता जरूर छोड़ें। सभी कमरों में हल्के रंगों का प्रयोग करें। इसके लिए आप पर्दे और सोफे हल्के रंग के कपड़े के ले सकते हैं, यह आपको मानसिक ठंडक देते हैं। अधिक लाइट का प्रयोग न करें। जी हां, ज्यादा बल्ब जलाते हैं तो यह आपके घर के तापमान को बढ़ाते हैं, इसलिए जितनी आवश्यकता हो उतनी ही लाइटें जलाएं। घर की खिड़कियों पर होममेड कूलर का प्रयोग करें। जी हाँ, यह होममेड इको फ्रेंडली कूलर आप घर पर आसानी से बना सकते हैं। इनमें से गुजरकर जब हवा अंदर घुसती है तब तक वह ठंडी हो चुकी होती है। इस प्रकार आप बिना बिजली की मदद से, बिना कूलर और एसी चलाए भी अपने घर को ठंडी हवा दे सकते हैं। छत पर सफेद चूने को पोत दें। जी हाँ, इस भीषण गर्मी में अगर आप अपनी छत को सफेद रंग के चूने से पोत देते हैं तो यह आपकी छत को गर्म नहीं होने देगा और गर्मी को रिफ्लेक्ट करके वापस वातावरण में भेज देगा और आपके घर का तापमान नियंत्रित बना रहेगा। इसके लिए आप 5 किलो चूना पाउडर, 10 लीटर पानी और 1 किलो फेविकोल का प्रयोग करें। इन तीनों चीजों को आपस में मिलाकर हल्की तराई करें और छत के ऊपर इसकी कोटिंग बना दें। एक कोटिंग सूखने के बाद हल्की तराई दोबारा से करें और इसे दोबारा से पोत दें। 2 कोटिंग होने के बाद हल्की हल्की 2 तराई करें, यह आपके घर को बहुत ठंडक प्रदान करेगा, साथ ही साथ गर्मी को एब्जॉर्ब होने से रोकेगा। गमलों में छत पर पौधे लगाएं, जैसे पुदीना, ग्वार पाठा यानी कि एलोवेरा और मनी प्लांट, यह आपकी छत में नमी बनाए रखेंगे और गर्मी से निजात दिलाएंगे। इन गमलों के अलावा आप छत पर सब्जी भी उगा सकते हैं। इसके दोहरे फायदे हैं, एक तो आपको अपने घर की उगाई सब्जी मिल जाएगी, दूसरा यह आपके घर को गर्मी से बचाए रखेंगे। बांस का मंडप, संभव हो तो छत पर बांस का आप मंडप बनवा सकते हैं, यह आपकी छत को गर्म नहीं होने देगा। यदि यह संभव न हो तो आप बांस और कपड़े की सहायता से बने टाट को अपनी छत पर बिछा दें, यह आपकी छत को गर्म होने से बचाएगा। अपने घर में या घर के आसपास पेड़ पौधे लगाएं, यह आने वाली हवा को ठंडा करेंगे और इनकी छाया आपको सुकून देगी। इसके साथ ही साथ आप प्रकृति से जुड़े रहेंगे। शाम को छत पर पानी का छिड़काव करें, इससे छत जल्दी ठंडी हो जाएगी और आप रात्रि में भीषण गर्मी से बचे रहेंगे। साइड की दीवारों को भी सफेद रंग से पुतवाएं, इससे साइड की दीवारें ठंडी रहेंगी, वह गर्मी को अंदर नहीं आने देंगी और आपके घर का तापमान नहीं बढ़ेगा। किचन में एग्जॉस्ट या चिमनी का प्रयोग जरूर करें। किचन में यदि आप एग्जॉस्ट और चिमनी का प्रयोग करते हैं तो जब हम खाना पकाते हैं तो उससे निकलने वाली गर्मी हमारे घर को गर्म नहीं कर पाती, क्योंकि एग्जॉस्ट या चिमनी की मदद से सारी गर्मी बाहर निकल जाती है। घरों की खिड़कियों के शीशों के ऊपर हीट रिफ्लेक्टिव फिल्म का प्रयोग करें, यह फिल्म आपके घर के अंदर गर्मी को नहीं घुसने देती और शीशों से बढ़ने वाली गर्मी को यह बाहर ही रखती है। इस प्रकार आपके घर का तापमान नियंत्रित बना रहता है। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस प्रकार आप इन छोटे छोटे उपायों को अपनाकर अपने घर के तापमान को नियंत्रित रख सकते हैं। आशा है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। इस प्रकार के और भी वीडियोज हम आपके लिए लाते रहेंगे। जुड़े रहिए हेल्थ टाइम से। नमस्कार।